अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे करी पकोड़ा, तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। दो अदद के करीब मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने काट लिया है। एक कप के करीब हम डाल देंगे इसमें घी, और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। टू टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट में नमक मिर्च पहले से ही शामिल है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक अलग से भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे टमाटर, 3 अदद के करीब मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर अब हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, 3 अदद के करीब मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। एक चम्मच हम डाल देंगे सूखा धनिया का पाउडर, 2 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे, एक चम्मच अनारदाना डाल देंगे। एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बेसन लिया है, 1/2 kg के करीब मैंने ली थी दही, और उसकी मैंने लस्सी बना ली है। अब बेसन को लस्सी में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ब्लेंडिंग जार में लस्सी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किसी खुले बर्तन में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हम डालेंगे मिक्स की हुई लस्सी और बेसन। 1 लीटर के करीब अब हम पानी डाल देंगे और 1 घंटे तक हम करी को पका लेंगे। जब तक हमारी करी रेडी होती है, हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। एक पाव के करीब बेसन लिया है मैंने, 1 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून अनारदाना डालेंगे, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल लेंगे, वन टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 अदद के करीब हम कटे हुए प्याज डाल लेंगे, 1 अदद कटा हुआ आलू डालेंगे, 1/2 कटा हुआ धनिया डालेंगे, 2 अदद के करीब हम सब्ज़ मिर्च कटी हुई डालेंगे, और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे, पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी। हमारा पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है। एक आलू कटा हुआ डाल देंगे, 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे,
थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। फ्राई पैन में हम 2 कप घी डाल लेंगे और इसको अच्छे से हीट कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़े बना लेंगे। एक एक करके हम पकौड़े डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम पकौड़े डालेंगे करी में। जिस घी में हमने पकौड़े फ्राई किए थे उसी घी में हम ज़ीरा डाल के तड़का लगा लेंगे। हाफ कप से भी थोड़ा सा कम हमने घी लिया है। तड़का लगाते ही फौरन हम इसको कवर करके रख देंगे। आपको करी पकौड़ा रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। अब मिलेंगे हम नई वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।